हाँ तो कल हमने डिस्कस किया था ये वाला न्यूमेरिकल था जिसमें हमारे पास में एक डिस्क्रीट मेमोरलो से सोर्स एक्स गिवन था जिसमें फोर सिंबल्स आपके पास में थे x1 x2 x3 x4 और उनकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी 0.4 0.3 0.2 0.1। कैलकुलेट एच एक्स आपको कैलकुलेट करना था तो एच एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं पी एक्स आई इंटू लॉग बेस 2 पी एक्स आई माइनस साइन के साथ में था यहाँ पर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली आपको क्या पता चला यहाँ से कि भाई एंट्रोपी हमारी कितनी है तो 1.85 बिट पर सिंबल आपकी एंट्रोपी आपको मिल गई थी। उसके बाद में था कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ सोर्स आपको दिए हुए थे उनके कोरस्पॉन्डिंगली अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना था। एक आपके पास में था x1 x2 x1 x3 तो x1 x2 x1 x3 जो आपको गिवन था तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एंड x2 x3 इन चारों का इंडिविजुअली आपने प्रोबेबिलिटी लिखी उनका मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आपके पास में आया 0.0096। ठीक है तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाया आपने आई x1 x3 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 2 और उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है उसके बाद में आपने क्या करा कि जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वो आई थी 6.70 बिट पर सिंबल आपका आंसर आया था। इसका कंपैरिजन किसके साथ करना था, इसका कंपैरिजन करना था जो आपकी एंट्रोपी आई थी। एंट्रोपी क्या थी, ये थी 1.85 बिट सिंबल। ठीक है तो अब आपको ये बताना है कि ये जो 6.70 बिट पर सिंबल आपके पास में अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई है वो इसके कंपेरेटिवली कितनी है। तो यहाँ पर इसने क्या करा, इसने मतलब सिंपल वे में लिखा, आप अपने वे में कुछ भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हो आप भाई, कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो उसने क्या करा कि मतलब अप्रोक्सीमेट ले लिया कि 4HX है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया HX को, तो 4 पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद में 1.85 को किया तो 7.4 आया मेरे पास में। तो जो 7.4 है ये 4 टाइम्स है HX के। ठीक है तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन 6.70 का कंपैरिजन इसके साथ किया तो 6.70 आपका कम है एज कम्पेयर टू 7.4। तो इसने लिखा आई x1 x2 x1 x3 इज लेस देन 7.4 लिखा। ठीक है सिमिलरली इसने x4 x3 x3 x2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तो 0.0012 आया मेरे पास में। अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट किया माइनस लॉग बेस 2 और ये वाला आपकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो यहाँ पर रखा तो 9.70 है। तो 9.70 जो आपका है वो ग्रेटर देन 7.4 है तो आपने लिख दिया कि अमाउंट ऑफ इसकी जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो ग्रेटर देन 7.4 है मींस 4 टाइम्स HX है। तो यहाँ पर भी आपका इज इक्वल टू 4HX बिट पर सिंबल लिखा था। ठीक है बेटा तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे डेरिवेशन जितने भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिड टर्म में मतलब और एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है तो कंसंट्रेशन अपनी बना के रखें सब लोग। तो यहाँ पर आया कंसीडर ए बाइनरी मेमोरीलेस सोर्स, बाइनरी मेमोरीलेस सोर्स है एक्स। बाइनरी यहाँ पर बात हो रही है तो मतलब क्या होंगे, दो सोर्स से सिंबल होंगे विद टू सिंबल्स x1 एंड x2। x1 एंड x2 सिंबल है। प्रूफ दैट HX इज मैक्सिमम, जो आपकी एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होगी व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर इक्विप्रोबेबल। इक्विप्रोबेबल का मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है x1 और x2 की वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वली प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उनकी। तो उस केस में आपका क्या है कि HX मैक्सिमम होना होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है तो आपने क्या करा, लेट अस अज्यूम दैट px1 आपने अज्यूम कर लिया कि वो अल्फा है तो px2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस अल्फा होगा। 1 माइनस अल्फा क्यों होगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, जितनी भी प्रोबेबिलिटी आपको, जितने भी सोर्स सिंबल्स हैं यहाँ पर x1 x2 दो सोर्स सिंबल हैं, 5 भी हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज का, उनकी अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है हमेशा। ठीक है तो चाहे वहां 5 सोर्स सिंबल हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो सोर्स सिंबल, तो उनका सबका सम क्या होगा आपका, 1 होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर इसने लिखा कि अगर px1 हमारे पास में अल्फा है तो ये वाली मेरे पास में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस अल्फा होगी। ठीक है तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप अगर देखोगे यहाँ पर कितनी थी 0.4 0.3 तो कितनी होगी 0.7 और 0.2 0.9 प्लस 0.1 तो यहाँ पर भी कितनी 1। तो सबका टोटल जो मिलेगा प्रोबेबिलिटी का वो हमेशा आपका 1 रहता है। ठीक है तो यहाँ पर px2 इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा आ गया। अब आपके पास में एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, HX इज इक्वल टू माइनस समीशन पी एक्स आई लॉग बेस 2 पी एक्स आई माइनस साइन के साथ में। माइनस साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लॉग बेस 2 पी एक्स आई ले रहे हैं, 1 अपॉन पी एक्स आई नहीं ले रहे, तो पी एक्स आई ऊपर लेके तो माइनस साइन लग गया, पी एक्स आई आपका मल्टीप्लीकेशन में आ गया और ये आपका अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन था। आई की जो लिमिट रखी इसने, इसने कंसिडर कर लिया कि आई इज इक्वल टू 1 टू एम है।
ठीक है, वेयर एम इज द नंबर ऑफ सोर्स सिंबल, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सोर्स सिंबल जो दिए हुए हैं x1 एंड x2 आपको गिवन है, दो सोर्स सिंबल है, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो जब यहाँ पर 2 होगी तब यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस, जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस पी एक्स वन, तो पी एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा आ जाएगी, लॉग बेस 2 पी एक्स वन, तो पी एक्स वन कितना, एक्स पी एक्स वन आपका अल्फा, लॉग बेस 2 अल्फा, माइनस 1 माइनस अल्फा कहां से आया, ये आया पी एक्स टू इंटू लॉग बेस 2 पी एक्स टू, तो पी एक्स टू की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1 माइनस अल्फा होगी यहाँ पर आपको। तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन आया इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ये एक एक्सप्रेशन आ गया कि एंट्रोपी आपकी hx होगी, कब होगी, जब x1 और x2 दो सोर्स से सिंबल आपको गिवन है और दोनों के दोनों इक्विप्रोबेबल हैं, उस कंडीशन में आपकी एंट्रोपी hx होगी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या था कि hx इज मैक्सिमम, hx मैक्सिमम कब होगी, तो hx मैक्सिमम कब होगी, आपने मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हो, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे और विद रेस्पेक्ट टू अल्फा या एक्स या वाई, ए बी सी जो भी आपका मतलब यहाँ पर वेरिएबल है, तब आप उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देते हो और डिफरेंशिएट करने के बाद में आप क्या करते हो, उसको इक्वल टू जीरो कर देते हो। कौन सी टर्मिनोलॉजी को, इस वाली टर्मिनोलॉजी को, जो ये डी बाई डी अल्फा इंटू एच एक्स जो आपकी टर्मिनोलॉजी आएगी, डिफरेंशिएट करने के बाद में इसको आप इक्वल टू जीरो कर दोगे तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को डी बाई डी अल्फा माइनस अल्फा लॉग अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा लॉग बेस टू वन माइनस अल्फा, एज इट इज ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, डी बाई डी अल्फा लिख दिया विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, वैसे तो सब लोग मैथमेटिक्स से पढ़ के आए हो तो सबको क्लियर होगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला, तो ये एलएचएस तो आपका इक्वल यही रहेगा। अब ये वाली टर्मिनोलॉजी देखो, यहाँ पर जब ये वाली टर्मिनोलॉजी को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपके पास में दो टर्मिनोलॉजी है, एक तो आपके पास में अल्फा, एक आपके पास में लॉग बेस टू अल्फा, ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप क्या करते हो, पहली टर्मिनोलॉजी को एज इट इज रखोगे, माइनस अल्फा लॉग बेस टू अल्फा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, वन अपॉन अल्फा आएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्लस लॉग बेस टू अल्फा एज इट इज रहेगा, अल्फा को डिफरेंशिएट करोगे तो वन आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी है, एक टर्मिनोलॉजी आपकी कौन सी है, वन माइनस अल्फा वाली टर्मिनोलॉजी है ये वाली, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी आपकी क्या है, लॉग बेस टू वन माइनस अल्फा है। तो जब लॉग डिफरेंशिएशन करते हैं आप x इंटू वाई का, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आपको पता है कि एक को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले को मतलब कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उस डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपके पास में एक्सप्रेशन आया ये वाला, ठीक है। ये एक्सप्रेशन में कहां से आया, माइनस लॉग अल्फा बेस टू प्लस लॉग वन माइनस अल्फा बेस टू, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को क्या करा, यहाँ पर लिखा लॉग वाला जो एक्सप्रेशन था आपका, मतलब प्लस वाला या माइनस वाला जो था, लॉग बेस टू वन माइनस अल्फा पहले कंसीडर कर लिया, माइनस लॉग अल्फा बेस टू बाद में कंसीडर किया, तो लॉग वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, तो जो डिवीजन में होता है वो आपका कहाँ चला जाता है, सब्ट्रैक्शन में चला जाता है। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो लॉग बेस टू वन माइनस अल्फा माइनस लॉग अल्फा बेस टू, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, किसी का डाउट है अभी इसमें, कोई प्रॉब्लम डाउट है जल्दी चैट में लिखो, कोई डाउट किसी का, इसको एक्सपेंड करके दिखाऊं मैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो अब आपके क्या गया, एक बार करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना फिर। नोट डेट, अब मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आपकी ये जो टर्मिनोलॉजी है इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और इज इक्वल टू जीरो कब होगी, जब आप लॉग बेस टू वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू जीरो रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने लिखा मतलब वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वन, ये वन क्यों लिखा, क्योंकि लॉग वन बेस टू, लॉग वन की जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो होगी। तो मतलब कहने का ये है कि 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है आपकी 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ये वाली टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए। जब ये 1 के इक्वल होगी तो लॉग 1 बेस टू ये आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट मींस यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इधर ले आए तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, और अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया,
मतलब कहना का यह है कि अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो उस केस में आपका क्या होगा, एंट्रोपी आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो सिंपल सा इसने यहाँ पर ये लिखा कि नॉट एच एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, व्हेन अल्फा ये तो जीरो होगा या वन होगा। एच एक्स इसने जीरो तब माना है कि जब या तो अल्फा जीरो हो या वन हो। तो पी एक्स वन इज इक्वल टू, पी एक्स टू इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कहां से आया, क्योंकि पी एक्स वन इज इक्वल टू क्या था, अल्फा था, अल्फा की वैल्यू मैंने 1/2 गेट की, और पी एक्स टू क्या था, 1 - अल्फा था, तो 1/2 आ गया। तो आपकी एच एक्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके भी दिखा दी कि मैक्सिमम वैल्यू एच एक्स इज इक्वल टू क्या होगी, यहाँ पर अल्फा या पी एक्स वन कह लो, लॉग बेस टू पी एक्स वन। ठीक है, अब ये जो पी एक्स वन लिया, 1/PX1 लिया, यहाँ से माइनस साइन हटा दिया, ठीक है, तो 2 ऊपर चला गया, प्लस 1/2 आपका पी एक्स टू, लॉग बेस टू 1/PX2, 2 ऊपर चला गया। ठीक है, लॉग बेस टू, बेस टू पर आपका 1 होगा, तो 1/2 प्लस 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 पर सिंबल। तो मैक्सिमम जो एंट्रोपी होगी वो आपकी कितनी होगी, 1 होगी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, जब इक्वी प्रोबेबल है तब आपका एच एक्स मैक्सिमम होगा, ये आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये जीरो के इक्वल होगा डिफरेंशिएशन, तो वहां से आपने अल्फा को वैल्यू कैलकुलेट की, अल्फा की वैल्यू, अल्फा कैलकुलेट करने के बाद में उसे अल्फा की वैल्यू आपने एच एक्स में रख दी, और वहां से आपने कैलकुलेट कर दिया कि 1 बिट पर सिंबल आपकी एंट्रोपी आ गई, जो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आया वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एच एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है एच एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू लॉग एम बेस टू। मतलब कहने का यह है कि एक एक्सप्रेशन है जो एच एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है और मैक्सिमम वैल्यू लॉग एम बेस टू तक पहुंचती है एंट्रोपी की। ठीक है, इसको हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी बोलते हैं, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। ठीक है, या लिमिट जिसको मतलब जनरली वे में बोलते हैं, तो ये इसकी बाउंड्री है। वेयर एम इज द साइज ऑफ द अल्फाबेट ऑफ एक्स, एम क्या है, जो अल्फाबेट का साइज है। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन है कि जो इसको हमें आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो ये एक्सप्रेशन करना है। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले लोअर बाउंड का एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। अब ये कह रहा है कि पी एक्स आई, मतलब एक्स आई क्या है, आपका कोर्स सिंबल है, और उस एक्स आई की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, भाई कम से कम कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, आपकी जीरो हो सकती है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी वैल्यू कहां तक पहुंचती है, 1 तक पहुंचती है। ठीक है, तो यहां पर इसने इसी एक्सप्रेशन से लिखा, अगर मैं इसको लिखूं 1/PX i, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, मैं लेस देन था, अगर इसको मैं डिवीजन में ले जाऊंगा तो 1/PX i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं तो पी एक्स आई मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो 1 > PX i, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा। तो ये मैं इस एक्सप्रेशन से इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, जब ये लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग बेस टू 1/PX i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। इट मीन्स अब ये वाला जो एक्सप्रेशन था, इसमें अगर मैं पी एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो भी मेरा एक्सप्रेशन ये रहा, पी एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन कर दी, दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, भाई इधर भी कर दो इधर भी कर दो, इधर करोगे तो जीरो की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर जीरो था, 0 × PX i आपका जीरो ही रहेगा, और इधर पी एक्स आई इंटू लॉग बेस टू 1/PX i हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, एच एक्स इज इक्वल टू पी एक्स आई लॉग बेस टू 1/PX i, ये आपका फॉर्मूला था, और सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to m था। ठीक है, तो ये वाली जो चीज थी इसमें क्या करा, इसने सबमिशन ले लिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस वाले उस एक्सप्रेशन से लिखा। मतलब कहना का ये है कि जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, किस एक्सप्रेशन की हेल्प से, इस वाले उससे हमने प्रूफ करके देखा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि पी एक्स आई लॉग बेस टू 1/PX i इज इक्वल टू 0, अभी तक 1 लेके चल रहे थे, अब 0 लेके चल रहे, तो जब 0 लेके चलेंगे ये क्या क्या कह रहा है कि इफ ओनली इफ पी एक्स आई इक्वल टू 0 और 1, अगर मेरे पास में पी एक्स आई की वैल्यू 0 या 1 होगी, उस केस में आपका क्या होगा, सबमिशन ऑफ पी एक्स आई इक्वल टू 1 होगा। मतलब ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई हुई, जब आपकी वैल्यू पी एक्स आई इक्वल टू 0 होगा या 1 होगी, तब आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सिंस हमें क्या पता है कि जो सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है पी एक्स आई, मतलब पी एक्स आई क्या है आपका, आई इज इक्वल टू 1 to m तक इसका जो सबमिशन होगा, अभी मैंने ऊपर बताया था जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उनका सम आपका कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो पी एक्स आई इज इक्वल टू तो 1 होता है, ये तो कन्फर्म है हमारा। ठीक है, और ये वाली कंडीशन उसने कब कही कि ये तो पी एक्स आई 0 अगर हो गई, ये वाली चीज 0 हो गई, तो 0 into this
तो जीरो कुछ भी होगा, अगर वन हो गई तो वन अपॉन वन ये वन हो गया, तो लॉग बेस टू वन ये क्या हो गया आपकी वैल्यू जीरो हो गई, चाहे ये कुछ भी हो, मतलब ये वन है यहाँ पर, जब हमने ये वाली चीज वन कंसीडर करी तो ये वैल्यू वन हुई, इन दो लगा यहाँ पर और लॉग बेस टू वन अपॉन वन, वन से वन कैंसिल आउट हुआ तो लॉग वन बेस टू आया, लॉग वन की वैल्यू आपकी जीरो होती है तो वन इंटू जीरो आपका जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन इस तरीके से सेटिस्फाई की। तो अब इसने ये कहा कि व्हेन पीएक्सआई इज इक्वल टू वन, जब पीएक्सआई की वैल्यू आपकी वन है, देन पीएक्सआई इज इक्वल टू पीएक्सजे, सॉरी पीएक्सजे इज इक्वल टू जीरो होगा, किस कंडीशन में होगा, अगर आई और जे इक्वल ना हो, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो उस कंडीशन में पीएक्सजे जीरो होगा, पीएक्स वन वन होगा तो पीएक्सजे आपका जीरो होगा, अगर ये इक्वल नहीं है, और अगर आई और जे इक्वल है मतलब सोर्स से सिंबल इक्वल है तो मैं भी ये आपकी दोनों वैल्यू क्या होंगी, वन होंगी, दस ओनली दिस केस एच एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस के मतलब इस केस में आपका क्या होगा, जो एंट्रोपी एच एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी, जीरो इसने कंसिडर की थी। प्रूफ ऑफ अपर बाउंड, अपर बाउंड के केस में क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेट अस कंसीडर टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है, एक पीएक्सआई लिया उसने, पीएक्सआई को लिख दिया पीआई, क्यूएक्सआई ले लिया दूसरा उसको लिख दिया क्यूआई, ऑन द अल्फाबेट एक्सआई इज इक्वल टू, मतलब एक्सआई अल्फाबेट के बेस पे लिया, आई इज इक्वल टू वन टू एम तक दिया हुआ है, सच डेट कैसे लिखा कि जो पीआई है या पीएक्सआई है उसकी वैल्यू वन होगी, सबमिशन लगा हुआ है सारे प्रोबेबिलिटी, QI या QXI उसकी वैल्यू भी वन होगी जब आप उसका क्या कर रहे हो, सबमिशन कर रहे हो, I equals to 1 to N, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, यहाँ से इसने क्या लिखा, यहाँ पर इसने फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, वो सॉरी एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाया, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या लगाया इसने, एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाया कि PXI into log base 2 1 upon PXI वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, या फिर माइनस के साथ में लगाओगे या प्लस के साथ में लगाओगे आप, ठीक है। तो इसी तरीके से इसने क्या करा, क्यू आई अपॉन पी आई लिखा, कैसे लिखा, इसका जब एक्सपेंशन करोगे आप माइनस वो वाला फॉर्मूला, सबमिशन लगाओगे पी एक्स आई वन अपॉन लॉग बेस टू वन अपॉन पी एक्स आई, तो वहां से तो आपके पास में ये वाली टर्मिनोलॉजी आई, फिर आपके पास में प्लस क्यू आई लॉग बेस टू वन अपॉन क्यू आई होगा, ठीक है, क्यू आई को अगर ऊपर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो बीच में माइनस साइन लगा तो QI अपॉन PI हो गया, और इसने दूसरा यहाँ पर क्या करा कि PI और QI को इक्वल लेके अगर चला तो ये मतलब यहाँ पर इसने PI को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करा इसने, अब ये यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी थी लॉग बेस टू QI अपॉन PI, इस वाली टर्मिनोलॉजी को इसने कन्वर्ट किया किसमें, लॉग बेस 10 में। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मैंने बताया था लॉग बेस 10 QI अपॉन PI, इसको डिवाइडेड बाय कर दोगे लॉग 2 बेस 10 पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या करा, वही वाली चीज लिखी कि ये वाली चीज थी डिवाइडेड बाय वन अपॉन में इसने मल्टीप्लाई कर दिया, वन डिवाइडेड बाय ln 2, ठीक है, मैं लॉग 10 पर बताई थी आपको चीजें, इसको बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर बेस e पर करा, यहाँ पर बेस e लिया, तो ऊपर नीचे अगर बेस सेम है मतलब 10 या ये ln वाला, तो आपकी वैल्यू आपकी इक्वल होगी, तो ये इसने कैलकुलेट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसने क्या कहा, नाउ यूजिंग द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या क्या कि ln अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ लिखा, ये लेस देन इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन, ठीक है। मैथमेटिकल में लॉगरिथम के एक्सपेंशन या मतलब बहुत सारे एक्सपेंशन थे, तो वहां पर ln अल्फा इज इक्वल्स टू होता था मतलब अल्फा माइनस वन या वो वन माइनस अल्फा स्क्वायर, कुछ इस तरीके के जो एक्सपेंशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, तो वो इनइक्वालिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पर इसने एक्सपेंशन वाला यूज किया। तो इस ln qi अपॉन pi की जगह पर हमने क्या लिखा कि इसको हम अल्फा माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, वही वाला चीज चल रही है, pi एज इट इज आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया pi इंटू ln अल्फा कंसिडर किया इसको, अल्फा क्या है qi अपॉन pi, तो यहाँ से qi अपॉन pi माइनस वन आपका इस वाले एक्सप्रेशन से ये आ गया, ठीक है। अब इधर क्या चल रहा है आपका, इधर ये वाला इक्वल में चल ही रहा है जो LHS था, उसके बाद में आपने क्या करा यहाँ पर इसको एक्सपेंशन किया, जब PI के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो PI के अंदर मल्टीप्लाई करोगे PI से PI कैंसिल आउट हो गया तो QI आ गया, तो आपके पास में यहाँ पर QI माइनस PI का मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो QI माइनस PI आपके पास में आ गया, I इक्वल टू वन टू एम सबमिशन आपका चल ही रहा है। अब जब इसको क्या करा, इसको अलग अलग एक्सपेंड कर दिया, तो क्यू आई सबमिशन ले लिया इसने, आई इज इक्वल टू वन टू एम, इसी तरीके से आई इज इक्वल टू वन एम तक आपका पी आई आ गया। तो अगर आप क्यू आई और पी आई की बात करोगे, तो आपने यहाँ पर कंसिडर किया था दोनों की वैल्यू वन इक्वेशन नंबर टू में, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, जीरो हो गया।
तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास में पीआई और क्यूआई ये वाली जो दोनों चीजें थी, अगर इनका समेशन 111 है कंसिडर आपने किया, तो उस केस में आपके पास में जो एंट्रोपी आई वो आपकी जीरो आई। मीन्स पीआई लॉग बेस टू क्यूआई अपॉन पीआई इज लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। ये लेस देन इक्वल टू यहाँ से उठा के रखा, ये वाली चीज इधर कैलकुलेट की थी हमने आरएचएस वाली, ये वाली जो वैल्यू थी ये आरएचएस में थी और ये वाली वैल्यू आपकी किसमें थी, एलएचएस में थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि वेयर द इक्वलिटी होल्ड ओनली इफ QI इज इक्वल टू PI फॉर ऑल I, अगर QI PI जो है इक्वल है तो उस कंडीशन में आपके पास में ये वाला फॉर्मूला आया था। अब वो कह रहा है कि QI इज इक्वल टू अगर मैं सेट कर दूं 1/m, क्या कह रहा है QI की वैल्यू अगर 1/m ले ले हम, तो वहां पर I क्या है आपके पास में 1 to मतलब जो है m तक है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है कि भाई आपकी 1 होगी इसकी भी, तो यहाँ पर QI की जगह पर 1/m रखा, तो वहां पर QI अपॉन PI था, तो QI की जगह पर आपने 1/m रखा, PI आपका एज इट इज चल रहा है। ठीक है, तो इसका जब एक्सपेंशन किया तो कुछ इस तरीके से लिखा PI log base 2 PI माइनस PI log m base 2 पर पहुंचा। ठीक है, तो ये वाला आपका माइनस साइन के साथ आया, ये वाला जो आपका फॉर्मूला बना ये फॉर्मूला किसका बना आपका HX का बना, ये वाला जो आपका एक्सपेंशन था यहाँ पर PI log m base 2 वाला जो था log m base 2 आपने बाहर निकाल लिया और सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to m और PI इसकी वैल्यू आपकी 1 कंसिडरेशन है आपकी, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन में 1 आ गया, तो HX माइनस log m base 2 लेस देन इक्वल टू 0 है आपका, तो आपके पास में क्या होगा इस वाले एक्सप्रेशन से HX इज लेस देन इक्वल टू log m base 2 होगा। द इक्वलिटी होल्ड ओनली इफ द सिंबल्स इन X आर इक्विप्रोबेबल, अगर इक्विप्रोबेबल है उस कंडीशन में आपके पास में ये इक्वलिटी होल्ड होगी। ठीक है, तो ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड का आपका क्या था डेरिवेशन था। ठीक है, एग्जाम में जनरली पूछ लेता है कई बार, मतलब एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, उसके साथ में किसी भी तरीके का ये वाला न्यूमेरिकल ऐड ऑन कर दिया या प्रीवियस टाइप का जो न्यूमेरिकल था वो ऐड ऑन कर दिया या ये वाला एक्सप्रेशन आपको कह दे कि इसको वेरीफाई करो, तो ये थोड़ा सा ध्यान से बेटा आप लोग पढ़ते रहना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए हाई रेजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पिक्चर, एक हाई रेजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पिक्चर है, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 × 10⁶ पिक्चर एलिमेंट एंड 16 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल है उसमें। ठीक है, पिक्चर्स आर रिपीटेड एट द रेट ऑफ 32 पर सेकेंड, जो पिक्चर्स रिपीट हो रही है वो रेट दिया हुआ है 32 bit per second। ऑल पिक्चर्स एलिमेंट आर एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, इनको एज्यूम कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, एंड ऑल लेवल्स हैव इक्वल लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, क्या लिखा है ऑल लेवल्स हैव इक्वल लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, इक्वल लाइक्लीहुड दिए हुए हैं सारे के सारे लेवल। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरेज रेट ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे बाय दिस टीवी पिक्चर सोर्स, एवरेज रेट इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी कैपिटल आर होती है, कल हमने पढ़ा था, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू आपका होता है स्मॉल आर इंटू एच एक्स। ठीक है ना, तो स्मॉल आर इंटू एच एक्स आपको कैलकुलेट करना है। हाँ बेटा, अभी जो है ना एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद मैं रेज हैंड किया था शुभम कौशिक। हाँ बेटा बताओ, चलो बताओ, कोई प्रॉब्लम है बेटा चैट में लिखो पहले फटाफट, प्रॉब्लम है या वैसे गलती से हुआ। शुभम कौशिक, ओके ठीक है, लास्ट वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे अभी ना। हाँ जी, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मतलब जो है 16 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और वो कुछ रेट है 32 पर सेकंड, उससे आपका वो रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि एवरेज रेट ऑफ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एच एक्स, स्मॉल आर और एच एक्स कैलकुलेट करोगे तभी आप कर पाओगे इसको आगे। तो एच एक्स का फॉर्मूला आप सबसे पहले लिखोगे एच एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स आई लॉग बेस टू पी एक्स आई, सबको पता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर कितने लेवल्स हैं, 16 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल है, तो एम इज इक्वल टू आपने 16 कंसिडर किया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/16 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इक्वली लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस दिया हुआ है, इक्वल लाइकलीहुड दिया हुआ है, तो आपने प्रोबेबिलिटी पी एक्स आई इज इक्वल टू 1/16 ले लिया, तो उसकी हेल्प से आपने एच एक्स इज इक्वल टू माइनस आई इज इक्वल टू 1/16 1/16 लॉग 1/16 बेस टू पर कर दिया, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 4 bit per element आएगा। एक्सटेंशन करके खुद कैलकुलेट कर लेना,
ठीक है ना, तो आपका एच एक्स का वैल्यू आ गया 4 बिट पर एलिमेंट। अब क्या कह रहा है, द रेट आर एट विच सिंबल्स आर जनरेटेड इज गिवन बाय, तो जो स्मॉल आर है वो रेट क्या दिया हुआ है, उसने 2 × 10⁻⁶ और 32, 32 पर सेकंड का आपने रेट दिया। पिक्चर्स जो रिपीट हो रही थी 32 पर सेकंड पे हो रही थी, और टीवी पिक्चर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 × 10⁻⁶ पिक्चर एलिमेंट, तो जो पिक्चर थी कितनी टोटल नंबर ऑफ पिक्चर थी, 2 × 10⁻⁶ पिक्चर थी, और उनका जो रेट था वो 32 पर सेकंड के बाद में वो रिपीट हो रही थी। तो आपका क्या होगा, टू इन जो स्मॉल आर जो रेट होगा वो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ पिक्चर्स थी इंटू उसका जो रेट है रिपीट होने का 32, तो आपके पास में 64 × 10⁶ एलिमेंट पर सेकंड स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास में आ गई। अब आप क्या करोगे, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर रखी आपने क्या, 64 × 10⁶ इंटू 4 आपके पास में एच एक्स की वैल्यू आई थी ऊपर, तो आपके पास में 256 × 10⁶ बिट पर सेकंड कुछ चल रहा है, और इसको 10⁶ है तो आपका क्या हो जाएगा, मेगा बिट पर सेकंड हो जाएगा, ये 256 मेगा बिट पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, ऊपर जो है कि शुभम कौशिक कह रहा था कि ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना सब लोग। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लोअर बाउंड और अपर बाउंड की बात कर रहे हैं कि एंट्रोपी एच एक्स आपको दी हुई है 0 और log m/2 के बीच में आपकी होती है, कुछ इस तरीके से वो बता रहा है। तो वो कह रहा है कि प्रूफ लोअर बाउंड का सबसे पहले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पी एक्स आई जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी सोर्स सिंबल की वो 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। यहाँ वाले से इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से मैंने क्या लिख सकता हूँ, मैं 1/PXi > 1, ठीक है, ये वाला लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो दोनों साइड का अगर लॉग लू में, तो लॉग वन आपका मतलब क्या होगा, लॉग वन कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर log/(1/PXi) > आपके पास में यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों साइड का आपने लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद में आपने क्या करा, इस वाले एक्सप्रेशन में पी एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट और राइट में कर दी, इधर करी तो पी एक्स आई log/(1/PXi) > 0 × PXi, तो आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या करा कि ये वाला अगर इसको सबमिशन कर दिया हमने, सबमिशन i = 1 to m इस वाले एक्सप्रेशन को, तो ये आपका क्या होता है, एंट्रोपी होता है, एच एक्स होता है, तो एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका 0 रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि पी एक्स आई इंटू लोग बेस टू वन अपॉन पी एक्स आई, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये आपकी कह रहा है कि g = 0, ये कब होगा, इफ ओनली इफ अगर पी एक्स आई 0 हो या 1 हो, उस कंडीशन में ही ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये वाला एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एक्सप्रेशन में पी एक्स आई 0 या 1 होगा, उसी केस में ये आपका क्या होगा, 0 होगा, मतलब पी एक्स आई 0 तो 0 × कुछ भी होगा तो 0 होगा। ये 1 रखा पी एक्स 1 तो 1 हो गया, 1 × log/(1/1, विशाल यादव रेज हैंड, हाँ बेटा बताओ चैट में लिखो, तो 1/1 ये कितना हो गया आपके पास में, ये log 1 हो गया, तो log 1 आपका क्या होता है, 0, तो 1 × 0 0 हो गया आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा कि मतलब आपके पास में ये वाली चीज देखो, तो समीशन ऑफ पी एक्स आई ये वाली जो चीज है वो इज इक्वल टू 1 लिखी, क्यों लिखी 1, ये वाली चीज 1 क्या है, मतलब सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अक्रेंस, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है पी एक्स आई i = 1 to m तक जितना भी लेके चलोगे उसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने फिर क्या लिखा कि पी एक्स आई इक्वल टू 1, पी एक्स जे इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, जब i और j इक्वल नहीं होंगे, अगर i और j इक्वल होंगे तो दोनों की वैल्यू 1 होगी, ठीक है बेटा। लोअर बाउंड खत्म हुआ, अपर बाउंड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो अपर बाउंड के बारे में इसने लिखा कि समीशन ऑफ पी आई इक्वल टू 1, समीशन ऑफ क्यू आई इक्वल टू 1, दोनों के समीशन आपने 1 लेके चले, आप होते हैं बाई डिफॉल्ट लेके, तो क्या चलना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद में एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाया, एंट्रोपी का जब फॉर्मूला लगाया उसमें 2 सोर्स सिंबल है आपके पास में, एक पी आई है और क्यू आई है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो पी आई log/(1/PI) माइनस फिर लगेगा क्यू आई log/(1/QI), तो क्यू आई अपॉन पी आई आपके पास में आया, तो क्यू आई अपॉन पी आई आया, log/(2) पर था, इस /2 को आपने कन्वर्ट कर दिया ln में, तो उसके लिए क्या करा, ln 2 से आपने डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला भी ln क्यू आई अपॉन पी आई हो गया, डिवाइडेड बाई ln 2 हो गया, तो ln क्यू आई अपॉन पी आई डिवाइडेड बाई ln 2, तो ln 2 1/ln 2 को आपने बाहर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। ln अल्फा का जो फॉर्मूला मैथमेटिक्स से एक्सपेंशन लिया, इसका α-1 लिया, α-1 जो लिया आपने, फिर क्या करा, अल्फा क्या है, क्यू आई अपॉन पी आई आपका अल्फा है, तो क्यू आई अपॉन पी आई अल्फा की जगह पर रखा, तो क्या हो गया, समीशन में पी आई इंटू ln अल्फा, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी थी इसकी जगह पर आपने α-1, α-1 मतलब क्यू आई माइनस q
qi अपॉन पी आई माइनस वन रखा, इसको जब पी आई की अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी, पी आई से पी आई कैंसिल आउट हो गया तो क्यू आई माइनस पी आई आपके पास में आ गया। इसको आपने अलग अलग क्यू आई माइनस पी आई को अलग अलग रख दिया, सबमिशन क्यू आई माइनस सबमिशन पी आई, सबमिशन क्यू आई की वैल्यू वन थी आपने ऊपर लिखी थी, क्यू पी आई की वैल्यू आपकी वन थी तो वन माइनस वन आपका जीरो हो गया। तो आपके पास में अब दूसरे केस को ये लेके चल रहा है कि अगर क्यू आई और पी आई इक्वल थे तो वो आया, अगर क्यू आई की वैल्यू आपकी वन अपॉन एम है तो क्यू आई की जगह पर आपने क्या करा, उस वाले एक्सप्रेशन में वन अपॉन एम रखा, वन अपॉन एम अपॉन पी आई, वहां पर क्या था क्यू आई अपॉन पी आई था ना, तो क्यू आई की जगह पर वन अपॉन एम इंटू ये पी आई नीचे रह गया आपका। इसका जब एक्सपेंशन किया इस वाले फॉर्मूले का तो पी आई लोग पी आई अपॉन बेस टू पर माइनस पी आई लोग एम बेस टू, ये वाला आपका एच एक्स का फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूले में क्या करा, लोग एम को बाहर ले लिया, सबमिशन पी आई आ गया आपके पास में, सबमिशन पी आई आपकी वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, तो आपके पास एच एक्स माइनस लोग एम बेस टू पर आ गया और लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हो एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू लोग एम। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच।